बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़ैज़ान अहमद, आप सबको यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, मैं आज आपके साथ कराची की बहुत ही मशहूर नहारी की रेसिपी शेयर कर रहा हूं। स्पेशल रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और ये बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है। कराची की बहुत ही मशहूर नहारी की रेसिपी आपके साथ आज शेयर करने लगा हूँ। इसको मैं कैसे बनाऊँगा, चलें स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुकिंग पॉट, एक पाव इसमें आपने तेल ऐड करना है। इसमें मैं प्याज ऐड कर रहा हूँ, दो अदद मीडियम प्याज स्लाइस कट। इसको हम ब्राउन करेंगे, ब्राउन फ्राई करेंगे इसको अच्छी तरह। आज की रेसिपी कराची की बहुत ही मशहूर निहारी की रेसिपी है और इसका जो मसाला है निहारी मसाला, वो मैंने आपके साथ शेयर करा हुआ है। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से रेसिपी देख लीजिएगा। होममेड मसाले की आज निहारी की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। देखिए माशाल्लाह रंग आ चुका है, इतना आपने फ्राई करना है। अब मैं इसमें मछली ऐड कर रहा हूँ और नली भी है इसमें शामिल। ये देखें, ये इस तरह का गोश्त है, मछली या गोश्त होता है गाय में, तो उसकी मैं बना रहा हूँ आज रेसिपी निहारी। जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाता, जब तक आपने इसको फ्राई करना है, गोश्त को आपने ब्राउन करना है। गोश्त देखें ब्राउन हो गया है, हल्का सा गोल्डन ब्राउन। ये देखें होममेड मसाला, ये मैं इसमें 50 ग्राम ऐड कर रहा हूँ। ऊपर से मैं आधा कप इसमें पानी ऐड कर दिया मैंने। अपने इसको अच्छी तरह हिलाना है, मसाला अच्छी तरह मिक्स हो जाए। निहारी की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना मत भूलिएगा। आपने देखा होगा निहारी वाले तरी ऊपर से ऐड करते हैं, इस टाइम मैं इसका जो तेल है ये मैं निकाल के अलग साइड में रख लूँगा। ये देखिए मैंने आधे से ज़्यादा तेल इसका निकाल लिया है, तरी निकाल के हम साइड में रख लेंगे। अब इसमें इस कुकिंग पॉट में मैं 2 लीटर पानी ऐड कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये निहारी की रेसिपी मैंने बहुत ही आसान कर दी आप लोगों के लिए। निहारी का बना मसाला बना के घर में रख लें, इससे आप चिकन मटन बीफ की जो दिल करे उसकी निहारी बना लें इस मसाले से। अभी इसको मैं हाई फ्लेम पे पकाऊंगा, जब तक जब इसका एक बॉईल आ जाएगा इसके ऊपर, तो मैं इसको इसकी फ्लेम लो कर दूँगा। इसको मैं बॉयल आने का इंतज़ार करता हूँ। देखिए बॉयल आ गया है, तो अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून नमक, अब मैंने इसमें ऐड करा है इस टाइम बॉइलिंग के टाइम ऐड करूँगा ताकि जल्दी डिसॉल्व हो जाए नमक। अब आपने इसकी फ्लेम स्लो कर लेनी है, बिल्कुल बिल्कुल लो फ्लेम पे ये 2 से 3 घंटे पकेगा। इसको आपने कवर कर देना है। तीन घंटे बाद मैंने इसको इसका ढक्कन हटा के मैंने गोश्त देखा, माशाल्लाह गोश्त बहुत अच्छा गला हुआ है, गोश्त इजीली टूट रहा है देखें। तो अब इसका जो अगला प्रोसेस है बिल्कुल होटल स्टाइल, आज मैं आपके साथ निहारी की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। अब मैं इसकी सारी बोटियाँ निकाल के एक साइड में रख लूँगा। देखिए अब इस तरह आपने बोटियाँ बोटियाँ निकाल के एक साइड पे रख लेनी है ताकि मज़ीद ना पके, बिल्कुल चूरा ना हो जाइए।
इस तरह आपने सारी बोटियाँ निकाल के एक साइड पर रख लेंगे। अब मैं इसके अंदर आटा ऐड करूँगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए जो आटा बनाते हैं निहारी के लिए, उसका तरीका बता रहा हूँ। एक बाउल, उसमें ये सालन वाला चमचा, दो हमने सालन वाले चमचे इसमें ऐड कर दिए। तकरीबन ये 50 ग्राम आटा होगा। इसमें मैं पानी ऐड कर रहा हूँ। आप इसको दूध में ही बना सकते हैं। अच्छी तरह आपने इसको फेंटना है, कोई इसके अंदर लम्स ना रह जाए। देखिए ये मिक्सचर भी रेडी हो गया है। अब इसको हम निहारी में ऐड करते हैं। आटे का मिक्सर हमने बनाया था, पहले आपने चमचा हिलाना शुरू करना है इसमें, फिर हल्के हल्के आपने इसमें आटे का मिक्सचर ऐड करना है ताकि कोई लम्स ना बने इसके अंदर, कोई गुठली ना बने इसके अंदर, फिर मज़ा नहीं आएगा आपको खाने में। देखिए ये थिकनेस आई है इसमें, मेरे हिसाब से बेहतरीन है। अब हमने इसको इस आटे को पकाना है 10 से 15 मिनट। हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ेंगे ताकि ये आटा जो डाला है वो पक जाए अच्छी तरह। इसमें लाइट रखा देते हैं जिसको मैंने पकाया है। अब मैं इसमें जो बोटियाँ निकाली थी वो मैं ऐड कर रहा हूँ। नली सबसे पहले ऐड कर रहा हूँ मैं, ताकि ये बोटियाँ आपको इसमें ज़्यादा चमचा हिलाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए माशाल्लाह आज की रेसिपी रेडी है। मैं आपको इसको अब सर्व करके दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सर्विंग करते हैं। तरी निकाली थी वो ऐड कर रहा हूँ इसमें, थोड़ा सा इसके ऊपर धनिया, बिसी अदरक, थोड़ी सी मिर्ची और एक लेमन। देखिए माशाल्लाह आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार, कराची की मशहूर निहारी की रेसिपी, मसाले की रेसिपी भी इसमें मैंने शेयर करी हुई है आपके साथ। आप लोगों ने इसको ट्राई करना है घर में। कोई आपको रेसिपी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बोलिएगा, इंशाल्लाह मैं लाजमी शेयर करूँगा। और जो निहारी मसाले की रेसिपी वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूँ। मिलेंगे इंशाल्लाह एक न्यू एपिसोड में फ्यूजन रेसिपी के साथ। हमें दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।